तो गाइस पिछले वीडियो पे मैंने आप लोगों को दिखाया थे कि कैसे आप अपने कार्टून कैरेक्टर के लिए आई मेकिंग कर सकते हैं एंड ड्राइंग कार्टून 2 में उस आई को कैसे ऐड कर सकते हैं एंड कार्टून कैरेक्टर में आप जो है आई ब्लिंकिंग कैसे करा सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कार्टून कैरेक्टर में जो माउथ सेट है वो कैसे ऐड कर पाएंगे एंड जो लिपसिंग है वो कैसे आप करा पाएंगे ड्राइंग कार्टून 2 में। तो गाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओके गाइज, सबसे पहले आपको ड्राइंग कार्टून 2 एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड यहाँ पर आइटम कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करना है, न्यू बोन पर क्लिक करना है और फिर से न्यू बोन पर क्लिक करना है, बकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सीजर वाले ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक करना है एंड फोटोज़ पर जाना है। एंड फोटोज़ पर जाने के बाद गाइस आप एंड गाइस यहां से आपको माउथ सेट को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद एक एक करके जितने भी माउथ सेट है वो आपको यहां पर ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन से जो है इस माउथ सेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से क्रॉपिंग करके आप राइट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए एक बीच में एक लाइन आ रहा है, तो इस लाइन के बीचों बीच आपको माउथ सेट को ऐड करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तभी आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको ऐड करना है, ये जो लाइन देख रहे हैं इस लाइन के बीचों बीच आपको रखना है, फिर आपको राइट टिक ऊपर में देखिए राइट टिक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद गाइस कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप देखिए यहाँ पर 3 डॉट जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके एक न्यू लेयर यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। ओके, फिर से आपको बकेट वाला ऑप्शन पर जाना है, सीजर पर जाना है, फोटोज़ पर जाना है एंड एक एक करके आपको यहाँ पर माउथ सेट को क्रॉपिंग करके ऐड करना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। ओके, और इस लाइन के बीचों बीच आपको माउथ सेट को रखना है। ओके, कुछ इस टाइप से एंड रखने के बाद आपको फिर से राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस टाइप से एक बार आप जो है चेक करके देख लीजिए कि आपका जो माउथ है वो ठीक तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हुई है या नहीं, ये लाइन के बीचों बीच ये ऐड हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो आप यहाँ पर मूवर का जो ऑप्शन है इस मूवर ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है इस माउथ सेट को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। फिर से माउथ सेट ऐड करने के लिए फिर से एक लेयर आपको बना लेना होगा, इसके लिए आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 3 लेयर बन चुकी है, तो आपको एक एक लेयर बनाकर एक एक माउथ सेट को आपको यहाँ पर ऐड करते जाना है। ओके, तो आपको फिर से बकेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, सीजर वाला ऑप्शन पर जाना है, फोटोज़ वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर गाइस माउथ सेट को आपको एक एक करके यहाँ पर जो है क्रॉप करके ऐड करना है। तो चलिए मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से 5-6 माउथ सेट को मैंने यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आपको क्या करना है। ओके, तो आप जिससे बोर ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखते रहिए। तो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आपको माउथ सेट को एक एक लेयर पर ऐड करना है जैसे मैंने आपको दिखाया है, कुछ इस तरीके से आपको ऐड करते जाना है। ओके, ऐड करने के बाद गाइस आपको ऊपर में देखिए एक राइट टिक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो सिंपली से आपको यहाँ पर जो मिडिल में एक पॉइंट देख रहे हैं इस पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको न्यू बोन पर क्लिक करना है एंड फिर से आपको राइट ऑप्शन पर क्लिक करके खाली बॉक्स यहाँ पर आपको बना लेना होगा। उसके बाद गाइस आपको इस खाली बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, अटैच वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर जो इस पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है फिर से अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और एक न्यू आपको यहाँ पर जो पॉइंट है वो बना लेना है एंड बनाने के बाद आपको फिर से इस पॉइंट को सिलेक्ट करके फिर से अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस टाइप से आपको एक न्यू जो पॉइंट है वो बना लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है एकदम लास्ट वाला पॉइंट को एंड माउथ सेट यहाँ पर जो बॉक्स उस पर क्लिक करना है, अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस टाइप का जो है यहाँ पर बन जाएगा। पॉइंट को सिलेक्ट करना है एंड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर स्लैब पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो स्लैब पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ऊपर में 3 लाइन ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेवस पर क्लिक करना है एंड 7 बार नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको लिखना है माउथ सेट। ओके,
तो माउस सेट लिखने के बाद डन करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर माउस सेट जो आपने ऐड किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट बैक करना है। एंड बैक करने के बाद आपको न्यू कार्टून पर क्लिक करना है। एंड सबसे पहले एक बैकग्राउंड आपको ले लेना है। बैकग्राउंड को लेने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ आपको करना क्या है। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट बैक करना है। बैक करने के बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जंगल पर जाना है, कस्टम पर जाना है। और कस्टम पर जाने के बाद गाइस सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर कैरेक्टर को इनपुट करना होगा, ठीक है। किस कैरेक्टर में आप माउस सेट को ऐड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इस कैरेक्टर में माउस सेट को ऐड करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से दिखाई दे, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या काम करने वाला हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर कैरेक्टर के हेड पर काम करने वाला हूँ, तो हेड को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ, ओके। तो गाइस नीचे देखिए अपने जो माउस सेट ऐड किए हैं वो आपको दिखाई देगा। तो माउस सेट ऐड करने के लिए इसको भी आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। तो चलिए मैं थोड़ा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली तरीके से दिखाई दे। और आप तो यहाँ पर आपको माउस सेट को थोड़ा रिसाइज करना है। एंड रिसाइज करने के बाद गाइस आप देखिए जैसे मैं माउस सेट के ऊपर टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जा रहा है। तो ये है स्लैब पॉइंट और ये है जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं पॉइंट, ये है मास्टर पॉइंट। तो इस स्लैब पॉइंट के साथ मास्टर पॉइंट पर हमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए आपको सिंपली सा यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये अटैच हो जाएगा, ओके, कुछ इस टाइप से। बट उससे पहले आपको माउस सेट को थोड़ा रिसाइज कर लेना है, ये फेस के साथ आपका जो माउथ है वो पूरी तरीके से अच्छे से दिखाई दे, ओके। तो आपको यहाँ पर अटैच पर क्लिक कर देना है, ओके। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर अटैच हो जाएगा और आप माउथ को कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एडिट यूनिट पर जाना है और यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो स्टेटस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नंबर आ जाएगा। तो एक एक लेयर पे आप जो है माउस सेट को ऐड किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इस नंबर पर क्लिक करोगे तो आप जितने भी माउस सेट किए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पर थोड़ा जो है एनिमेशन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो माउस सेट है वो वर्क करने लगेगा। तो नीचे मैं यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर एनिमेशन को मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर स्पीड को मैं 8 कर देता हूँ। उसके बाद लूपिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करके मैं यहाँ पर कुछ फ्रेम बनाकर आपको कुछ एनिमेशन करके दिखाता हूँ कि ये जो माउस सेट है वो कैसे जो है परफॉर्मेंस करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से कुछ फ्रेम बना लेता हूँ, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ओके। तो आप देखते रहिए। तो आप देखिए गाइस ऐसा लग रहा है कि ये कैरेक्टर कुछ बोल रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप कार्टून कैरेक्टर में लिपसिंक करा सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा गाइस कि कैसे आप कैरेक्टर में वॉकिंग करा सकते हैं, लिपसिंक करा सकते हैं एंड आई ब्लिकिंग कैसे करा सकते हैं एक ही साथ एक ही फ्रेम में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ओके। और आप मोबाइल से कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाना आप सीख